कोरोना के साथ ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी दवा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर स्थित मॉडर्न लैबोरेटरीज को ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बनाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति सिर्फ 72 घंटे के अंदर मिल गई, ताकि जल्द से जल्द इस दवा का उत्पादन शुरू हो सके। अब एक दिन के अंदर 10,000 वायल का उत्पादन किया जा सकेगा। हमारे यहाँ भी माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी और हमारे जो लोकसभा के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, उनके प्रयासों से हमको ये लाइसेंस मिला है। और ये लाइसेंस बहुत जल्दी मिल गया है, हमने एप्लीकेशन के बाद विद इन 72 आवर्स के अंदर हमको ये लाइसेंस प्राप्त हो गया। रॉ मटेरियल हमने 2-3 जगह ऑर्डर प्लेस किए हैं, जिसमें एक मुख्य तौर पर चाइना से है, वहाँ से अगर बाई एयर आएगा, और बाकी हिंदुस्तान में भी हमने कुछ लोगों को दिया है ऑर्डर। और जैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल रिसीव होता है, उसके करीब करीब 15-16 दिन के अंदर ये मटेरियल हमारा मार्केट के अंदर आ जाएगा। मेरी इसको बनाने की कैपेसिटी करीब 10,000 वाइल्स प्रतिदिन की है। 15 दिनों के अंदर बाजार में इस दवा की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ये इंजेक्शन इमल्शन फॉर्म में होगा। बाजार में कीमत लगभग 3,000 रुपए होगी, जबकि सरकार को ये 1,500 रुपए में मिलेगा। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी है। प्रत्येक रोगी को उनकी बीमारी और शरीर के वजन के आधार पर प्रतिदिन लगभग 5 ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 50 से 80 इंजेक्शन तक हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस की दवा दुनिया में जहां भी मिले भारत लाई जाए। आपको बता दें कि कोरोना काल में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है और कई लोगों की जान जा चुकी है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।